क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी वनडे सीरीज की है। 3 मैचों की वनडे सीरीज बेहद अहम है क्योंकि T20 के बाद टीम इंडिया वनडे में भी कीवी टीम का व्हाइट वॉश करना चाहेगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा झटका ये है कि उपकप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं और इसका खुलासा खुद कप्तान विराट कोहली ने किया है। तो क्या कहा रोहित को लेकर विराट ने, आपको बताते हैं और आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो हिटमैन रोहित शर्मा को 5वें T20 मैच में कप्तान बनाया गया था और रोहित की कप्तानी में ही टीम इंडिया की जीत भी इसे माना जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से रोहित बैटिंग के दौरान चोटिल हो गए और पिंडली में दर्द होने की वजह से रोहित शर्मा रिटायर्ड हो गए। रोहित ने फील्डिंग भी नहीं की और राहुल ने कप्तानी की थी। अब इस बीच भारत ने मैच जीता। जब विनिंग ट्रॉफी लेने विराट कोहली आए तो विराट ने रोहित की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया। विराट कोहली से रोहित की चोट पर सवाल पूछा गया था जिस पर विराट ने कहा कि रोहित की हालत पर फिटनेस टीम की नजर है और उम्मीद है कुछ दिनों बाद रोहित शर्मा वापसी करेंगे। यानी विराट ने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया लेकिन इशारों में ये भी साफ कर दिया कि कुछ दिन के लिए रोहित शर्मा टीम से बाहर हो गए हैं और उन्हें वापसी करने में कुछ दिन का वक्त तो लगेगा। अब अगले एक हफ्ते में वनडे सीरीज के 3 ही मैच खेले जाने हैं। ऐसे में रोहित शर्मा वनडे सीरीज से पूरी तरह बाहर माने जा रहे हैं। जी हाँ, हिटमैन वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और शिखर धवन पहले से ही वनडे टीम से बाहर हैं। ऐसे में अब केएल राहुल के साथ वनडे सीरीज में पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, पृथ्वी शॉ करीब 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं लेकिन इस बार टेस्ट मैच में नहीं बल्कि वनडे में पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे। वैसे उम्मीद है कि टेस्ट मैचों तक रोहित शर्मा फिट हो जाएं लेकिन इतना तय है कि वनडे तक फिट होना उनका मुश्किल है। और इधर पृथ्वी शॉ को वनडे मैचों में बड़ा मौका मिल रहा है। तो आपका इस बड़े बदलाव पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।